सीरियली श्रृंगार स्वाभिमान में मेघना करती है अपनी माँ की मदद और वो देती है शारदा को 25 लाख रुपए। नंद किशोर ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सीरियल श्रृंगार स्वाभिमान में चौहान हाउस में काफी बड़े बड़े ड्रामे चल रहे हैं। नंद किशोर अपनी पत्नी निर्मला और मेघना की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। वो निर्मला पर किसी भी बात पर चिल्लाता है और उसकी इंसल्ट भी करता है। एक्चुअली हुआ ये होता है कि निर्मला ऑफिस आ जाती है और ये बात नंद किशोर को पसंद नहीं आती। वो निर्मला पर चिल्लाता है कि उसने ऑफिस में आने की हिम्मत कैसे की, लेकिन उसी समय मेघना अपनी सासू माँ की सेवियर बन जाती है और वो बोलती है नंद किशोर को कि निर्मला को वो ऑफिस लेकर आई है। नंद किशोर को और गुस्सा आ जाता है और वो फिर मेघना की बहुत इंसल्ट करता है और वो उसे बोलता है कि उसने ऑफिस से 25 लाख रुपए अपनी माँ को दिए हैं। मेघना नंद किशोर की ये ब्लेम सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो नंद किशोर को बोलती है कि उसने ये कंपनी से लोन लिया है और वो इस पैसों को अपनी मेहनत करके वापस करेगी। मेघना साथ ही साथ ये भी बोलती है कि उसकी माँ ने शादी के लिए बहुत बड़ा लोन लिया था और वो अपनी माँ की मदद करना चाहती है। दादाजी भी मेघना के इस स्टेप में उसको सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि नंद किशोर अपनी कौन सी नई चाल चलता है मेघना की बेइज्जती करने के लिए। वेली शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सीरियल श्रृंगार स्वाभिमान में मेघना करती है अपनी माँ की मदद और वो देती है शारदा को 25 लाख रुपए। नंद किशोर ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सीरियल श्रृंगार स्वाभिमान में चौहान हाउस में काफी बड़े बड़े ड्रामे चल रहे हैं। नंद किशोर अपनी पत्नी निर्मला और मेघना की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। वो निर्मला पर किसी भी बात पर चिल्लाता है और उसकी इंसल्ट भी करता है। एक्चुअली हुआ ये होता है कि निर्मला ऑफिस आ जाती है और ये बात नंद किशोर को पसंद नहीं आती। वो निर्मला पर चिल्लाता है कि उसने ऑफिस में आने की हिम्मत कैसे की, लेकिन उसी समय मेघना अपनी सासू माँ की सेवियर बन जाती है और वो बोलती है नंद किशोर को कि निर्मला को वो ऑफिस लेकर आई है। नंद किशोर को और गुस्सा आ जाता है और वो फिर मेघना की बहुत इंसल्ट करता है और वो उसे बोलता है कि उसने ऑफिस से 25 लाख रुपए अपनी माँ को दिए हैं। मेघना नंद किशोर की ये ब्लेम सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो नंद किशोर को बोलती है कि उसने ये कंपनी से लोन लिया है और वो इस पैसों को अपनी मेहनत करके वापस करेगी। मेघना साथ ही साथ ये भी बोलती है कि उसकी माँ ने शादी के लिए बहुत बड़ा लोन लिया था और वो अपनी माँ की मदद करना चाहती है। दादाजी भी मेघना के इस स्टेप में उसको सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि नंद किशोर अपनी कौन सी नई चाल चलता है मेघना की बेइज्जती करने के लिए। वेली शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज